चलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट डेटा टाइप के बारे में। क्लियर? तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने इंट डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने फ्लोट डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने बूल डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने एसटीआर डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, लिस्ट डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया और टपल डेटा टाइप को भी डिस्कस कर लिया। अब यहां पर पता है, कई बंदे मेरे से ये बोलते हैं कि सर आप सेट डेटा टाइप को पढ़ा रहे हो, सेट डेटा टाइप को सिखा रहे हो, तो आप ये पुरानी चीजें क्यों बताते हो कि इंट डिस्कस कर लिया, फ्लोट डिस्कस कर लिया, बूल डिस्कस कर लिया, कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लिया, क्यों बताते हो? आपने तो करा ही दिया, सीधे सेट की बात करो ना। ऐसे में वीडियो लंबा होता है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अब जैसे सेट डेटा टाइप का वीडियो मैं बनाया और यूट्यूब में डाला, अब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास सबसे पहला वीडियो उनको मेरा सेट डेटा टाइप का ही मिल गया मान लो। अब वो सेट डेटा टाइप का वीडियो पढ़ रहा है। अब क्या होता है कि डेटा टाइप में हर डेटा टाइप को समझने के लिए पुरानी डेटा टाइप अगर क्लियर है तो अच्छे से समझ में आती है। जैसे सेट पढ़ रहे हो तो टपल अगर पढ़ चुके हो, लिस्ट पढ़ चुके हो, तो सेट अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लो कोई ऐसा बंदा है जो सबसे पहले सेट डेटा टाइप का वीडियो ही मेरा पढ़ रहा है, अब बहुत सी चीजें लिस्ट और टपल में कवर की गई हैं क्योंकि पुरानी चीजें आपको आती हैं, तो ये सेट अच्छे से आएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बंदों को सर के ऊपर से सेट डेटा टाइप निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो में ये बात इसलिए बोल रहा होता हूं कि हमने इंट डिस्कस कर लिया, फ्लोट कर लिया, बूल कर लिया, कॉम्प्लेक्स कर लिया, एसटीआर कर लिया, लिस्ट कर लिया, कि अगर कोई पहला बंदा जो सेट को ही पढ़ रहा है तो उसे ये बात पता लग जाए कि पहले वाली डेटा टाइप भी वीडियो बन चुकी है। इसलिए मैं ये चीजें रिपीट कर रहा हूं। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि डायरेक्टली सेलेक्टेड लर्निंग ना करें। अगर आप पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप को पढ़ रहे हैं तो आप इंट से ही स्टार्ट करें। इंट पढ़ें, फ्लोट पढ़ें, बूल पढ़ें, कॉम्प्लेक्स पढ़ें, एसटीआर पढ़ें, लिस्ट पढ़ें, टपल पढ़ें, फिर सेट पढ़ें। डायरेक्ट सेट ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सी चीजें टपल में डिस्कस की गई हैं, लिस्ट में डिस्कस की गई हैं, और लिस्ट और टपल से ही मिलता जुलता सेट है। समझ आ रही है? क्लियर? आपने देखा होगा कल हमने टपल का वीडियो बनाया, मैंने 20 मिनट का लिस्ट का बनाया, 20 मिनट का, तो 40 मिनट का डेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्ट सेट को ना पढ़ें, पहले इन्हें पढ़ें, लिस्ट और टपल, उससे पहले एसटीआर पढ़ें, कॉम्प्लेक्स पढ़ें, बूल पढ़ें, फ्लोट पढ़ें, इंट पढ़ें, उससे भी पहले पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप इंट्रोडक्शन पढ़ें जो मैंने बताया। क्लियर? चलो तो मैं आपको बता दूं, जो सेट डेटा टाइप है ना, यह भी लिस्ट और टपल की तरह ही काम करता है। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं इनमें जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने पहले से लिस्ट पढ़ रखा है, टपल पढ़ रखा है, तो आपको बहुत जल्दी समझ लग जाएगा। क्लियर? चलो तो अब हम लोग थोड़ा सा सेट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा लिस्ट और टपल के बारे में पुरानी बातें रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगी। हाँ, रिपीट करने का मतलब ये नहीं कि पूरा हो रहा है भाई, पूरा पढ़ना है प्रैक्टिकल के साथ। तो लिस्ट को अलग से पढ़िए, मैंने वीडियो बना के रख दिया, टपल को अलग से पढ़िए, मैंने वीडियो बना के रख दिया, सिर्फ मोटी मोटी बातें रिपीट करूंगा, है ना। चलो तो लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट डेटा टाइप क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। तो लिस्ट डेटा टाइप में आप क्या करते हो? कलेक्शन ऑफ वैल्यू को स्टोर करते हो। सेम चीज टपल में भी होती है, कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, दूसरी बात, लिस्ट और टपल में हम लोग जो कलेक्शन ऑफ वैल्यू डालते हैं वो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है। बोले तो एक वैल्यू इंट रख लो, तो एक फ्लोट रख लो, एक बूल रख लो, एक कॉम्प्लेक्स रख लो, डिफरेंट डिफरेंट थी बराबर। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो लिस्ट और टपल में डुप्लीकेसी सपोर्ट करता था, मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यू जो आप कलेक्शन ऑफ जो आपने वैल्यू डाला उस वैल्यू डुप्लीकेट भी हो सकती है ना। 10 नंबर दो बार भी आ सकता है ना, इंडिया इंडिया दो बार भी आ सकता था। डुप्लीकेसी का मतलब यह था ऑर्डर मेथड को अलाउ करता था, यह मतलब आपने कलेक्शन के अंदर जो भी वैल्यू डाली जब उसे आप प्रिंट करते तो एज इट इज ऑर्डर में प्रिंट करता था। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? लिस्ट और टपल की बात करें तो इंडेक्सिंग मेथड भी सपोर्ट करते थे और स्लाइसिंग ऑपरेटर भी सपोर्ट करता था।
अब लिस्ट और टपल में डिफरेंशिएट क्या था, मेजर डिफरेंशिएट क्या था, लिस्ट आपका चेंज हो जाता था, लिस्ट के अंदर जो आपने कलेक्शन ऑफ वैल्यू डाले हो वो वैल्यू चेंज भी हो जाती थी, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते थे, कोई नई वैल्यू अपेंड कर लेते थे, कोई नई वैल्यू कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिमूव कर लेते, बोले तो चेंजेबल था, लेकिन टपल चेंज टपल में आने के बाद वो चेंज नहीं होता था, मतलब जो वैल्यू डाल दी वो फिक्स हो गई, चेंज का मेथड अलाउ नहीं था टपल में, है ना, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते थे, अपेंड नहीं कर सकते थे, रिमूव नहीं कर सकते, यही डिफरेंशिएट था लिस्ट टपल में, क्लियर। अब बात करते हैं सेट में, तो सेट डेटा टाइप भी कलेक्शन ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनाया गया, सेट डेटा टाइप के अंदर भी आप कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो कलेक्शन ऑफ वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, इंट भी हो सकती हैं, फ्लोट भी हो सकती हैं, बूल भी हो सकती हैं, मतलब सेट भी हिट्रोजीनियस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सेट डेटा टाइप डुप्लीकेट सपोर्ट नहीं करता, मतलब सेट डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यू डालोगे वो वैल्यू एक वैल्यू दो बार नहीं आ सकती, ये हुआ। दूसरा, सेट डेटा टाइप ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, मतलब सेट डेटा टाइप बनाते टाइम जो आपने वैल्यू जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू दी, जब आप उसे प्रिंट करेंगे तो उस ऑर्डर में प्रिंट नहीं होता था, मतलब डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, ऑर्डर का मेथड फॉलो नहीं कर रहा, क्लियर। तीसरी बात, इंडेक्सिंग मेथड को सपोर्ट नहीं करता सेट। अब इंडेक्सिंग मेथड का मतलब क्या हुआ, समझना ध्यान से, इंडेक्सिंग मेथड का मतलब ये हुआ कि भाई आपने ये लिस्ट डेटा टाइप मान लो बनाया 10.20.30.40, ये आपने बनाया, और टपल अगर आपने बनाया तो ऐसे हो गया टपल में, ऐसे हो जाता था, है ना। इंडेक्सिंग मेथड का मतलब क्या होता, जब आप ऐसे प्रिंट करते थे मान लो ए, तो क्या होता था, ये जीरो इंडेक्स का नंबर प्रिंट हो जाता था, जीरो इंडेक्स क्या आएगा 10, वन इंडेक्स 20, टू इंडेक्स 30, इंडेक्सिंग मेथड सपोर्ट कर रहा है यहां पर, कहां पे, लिस्ट और टपल में। लेकिन जब आप सेट में आते हो तो सेट में इंडेक्सिंग मेथड सपोर्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर तो है ही नहीं यहां पर, कुछ ऑर्डर ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा, वो प्रैक्टिकल करूंगा समझ में आ जाएगी, अभी इतना समझो, इंडेक्सिंग मेथड सपोर्ट नहीं करता, ऑर्डर ही नहीं यहां पर, मतलब आप जब वेरिएबल बनाते टाइम आपने वैल्यू ऐसे दी ना, जब आप इसे प्रिंट करोगे तो जरूरी नहीं कि 10 पहले आए, 20 पहले आए, 30 पहले आए, बाद में 40 है, नहीं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो ऑर्डर ही फिक्स नहीं है, तो इंडेक्सिंग का सवाल ही नहीं उठता, है ना। ऐसे ही स्लाइस ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता सेट, जब ऑर्डर ही नहीं है तो क्या स्लाइस ऑपरेटर सपोर्ट करे, क्लियर। तो ये चीजें सेट में सपोर्ट नहीं करती, जो ध्यान रखना। अब प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल से पहले एक चीज और देखो, लिस्ट डेटा टाइप बनाते टाइम, लिस्ट डेटा टाइप के बनाते टाइम आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल बनाते टाइम आपने किसका इस्तेमाल किया, पैरेंथेसिस का, और सेट डेटा टाइप बनाते टाइम आप लोग यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट का। ध्यान रखना, इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है कि कैसे सवाल पूछते, पता है, स्क्वायर ब्रैकेट कौन से डेटा टाइप में यूज करेंगे, पैरेंथेसिस कौन से डेटा टाइप में यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट कौन से डेटा टाइप में यूज करते हैं, या फिर कागज में ये कर्ली ब्रैकेट बना के रख देंगे और बताएंगे, पूछेंगे, बताओ भाई ये कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, कौन से डेटा टाइप में यूज होता है, ऐसे पूछ लेते हैं। प्रैक्टिकल कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये याद भी करना होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के लिए है, पैरेंथेसिस टपल के लिए है, कर्ली ब्रैकेट सेट के लिए, कुछ याद नहीं करना, बार बार प्रैक्टिस कर रहे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाती बात है ना। चलो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तो पाइथन सेल में चलो, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर ये लो हिट्रोजीनियस सपोर्ट कर रहा है ना, फिर ये लो फ्लोट नंबर भी दे दिया मैंने, एंटर, टाइप चेक करो जरा, इसका सेट आया, प्रिंट करो जरा, यहां पर क्या हुआ, पहले 10 दिया था, आया 40, पूरा आगे पीछे हो गया, ऑर्डर फॉलो ही नहीं कर रहा, समझ आ गया, ऑर्डर नहीं अलाउ कर रही है, अपने हिसाब से प्रिंट करके देता है,
डुप्लीकेसी जरा देखते हैं, डुप्लीकेसी। तो मैंने फिर से 10 दिया, फिर से 20 दिया, फिर से 30 दिया, फिर से 40 दिया, फिर से 50 दिया। लो फिर से संजय दे देता हूँ। एरर तो नहीं आया आपके सामने, लेकिन जब आप प्रिंट करोगे तो डुप्लीकेट नंबर को इसने प्रिंट ही नहीं किया। समझ में आ रही है? एरर नहीं दे रहा ये, लेकिन आप डुप्लीकेट को स्किप करके दिया ही नहीं उसने प्रिंट में। तो इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं यार एरर नहीं दे रहा, या ऐसे बता देंगे बोलेंगे ये चलेगा, ऐसे नंबर लिख देंगे बोलेंगे रन करूंगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। बट जब उसका आउटपुट निकालोगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। समझ में आ गई? एरर नहीं छुपा रहा है पूरा ये, इसलिए तो पाइथन को कहा जाता है इजी है, एरर छुपा के रखता है। बट आपको पता होना चाहिए डुप्लीकेसी सपोर्ट नहीं करता। डुप्लीकेट का काम है लिस्ट में जाइए, सेट में मत आइए। सेट का यूज केस अभी बताऊंगा आगे क्या है, अभी फंक्शनलिटी देखो इसके बस। क्लियर? ठीक है। तो जब ऑर्डर ही सपोर्ट नहीं करता तो इंडेक्सिंग भी सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। लो इंडेक्सिंग देख लो भाई, देखो एरर क्या आता है। मैंने बोला जीरो इंडेक्स प्रिंट कर भाई, एरर फेंक दिया इसने। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट, देख रहे हो, स्लाइस ऑपरेटर भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये सब सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों इंटरव्यू में, यहीं से पता लगता है आपको नॉलेज कितनी है, और यहीं पे फंसाते हैं। और ये बिना डेटा टाइप के तो कुछ नहीं हो सकता, बिना डेटा टाइप के ना ही आप पाइथन से स्क्रिप्टिंग कर पाओगे डेवऑप्स के ऊपर, ना ही बिना डेटा टाइप के ना ही आप पाइथन को एडब्स में यूज कर पाओगे। प्रोग्रामिंग की बात तो छोड़ ही दो, अभी तो हम प्रोग्रामिंग तक पहुंचे ही नहीं है, अभी तो पाइथन का बेस पढ़ रहे हैं हम लोग भाई। डेटा टाइप बेस है, डेटा टाइप नहीं आता कुछ नहीं कर सकते, डेटा टाइप नहीं आएगा पाइथन स्क्रिप्टिंग में काम नहीं कर सकते, डेटा टाइप नहीं आएगा पाइथन को एडब्स में यूज नहीं कर पाओगे, डेटा टाइप नहीं आएगा पाइथन को डेवऑप्स स्क्रिप्टिंग में यूज नहीं कर सकते, डेवऑप्स ऑटोमेशन में यूज नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग प्रोग्राम बनाने की तो बात बाद में करेंगे, बाद में आएगा प्रोग्राम, बाद में आएगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बाद में आएगा अपना एप्लीकेशन बनाना पाइथन के थ्रू, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई? क्लियर हो गया सारी चीजें? चलो और चीजें देखो। मैंने ये प्रिंट किया, ठीक है। चलो अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करवाना चाहता हूं। क्या करवाना चाहता हूं? ऐड। तो आप क्या बोलोगे सर? वेरिएबल का नाम लिखो, अपेंड लिखो और बता दो क्या ऐड करना है, यही बोलोगे ना। एरर फेंक दिया इसमें। क्यों एरर फेंका? अपेंड नहीं, अपेंड मेथड ही नहीं आ चलेगा यहां पर, तो फिर कोई नंबर ऐड कैसे करेंगे? कोई नंबर ऐड करना है तो ऐड लगाओ, ये लो ऐसे अगेड। देखो अब आप बोलोगे सर ये अपेंड और ऐड का मतलब क्या हुआ, एक ही तो चीज हो रही है, फिर ये ऐड क्यों दिया इन्होंने? बताता हूं। अपेंड का मतलब होता है जितनी भी वैल्यू है कोई नई वैल्यू उसके आगे अपेंड करेगा, बोले तो ऑर्डर में। ऐड का मतलब होता है भाई वो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, कहीं भी बीच में डाल देगा, तो इसने बीच में डाल दिया इसलिए यहां पर ऐड चल रहा। समझ आ गई? ये भी फंसा के पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, अपेंड और ऐड में बताइए। तो अपेंड का मतलब क्या हुआ? अपेंड का मतलब हुआ भाई कोई भी वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू के आगे ऐड करेगा, अपेंड करेगा। तो लिस्ट और टपल में ऑर्डर अलाउ है तो उसके हिसाब से अपेंड कर रहा था वहां पर, यहां तो कोई ऑर्डर है ही नहीं तो ऐड कर भाई, कहीं भी बीच में ऐड कर देता हूं, है ना। चल अब रिमूव करने की बात करें अगर हम, तो लो भाई रिमूव 100 नंबर रिमूव कर लो। लो भाई रिमूव हो गया, हो गया। चलो अब रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट सवाल ही नहीं उठता भाई, इंडेक्सिंग ही इंडेक्सिंग मेथड ही नहीं सपोर्ट करता तो क्या रिप्लेसमेंट करोगे, कैसे रिप्लेसमेंट करोगे? रिप्लेसमेंट तो आप ऐसे करते थे ना, ऐसे किया करते थे ना, इंडेक्सिंग नंबर डाल के फिर रिप्लेसमेंट, लो भाई रिप्लेसमेंट करना है। तो यहां तो इंडेक्सिंग ही नहीं है तो क्या रिप्लेसमेंट होगा? समझ आ गई? तो पूछ लिया जाता है क्यों नहीं रिप्लेसमेंट सपोर्ट कर रहा, समझा देना ऐसे ही कि सर इंडेक्सिंग ही नहीं है, आप तो ऐसे डाल दोगे भाई, लो इंडेक्सिंग ही नहीं है तो कहां से पता लगेगा कौन सा इंडेक्स नंबर को रिप्लेसमेंट करना है? समझ आ गई? तो इंडेक्सिंग भी यहां पर नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझना, देखो आपने एम्प्टी
लिस्ट डेटा टाइप बनाया, टपल भी एमपीटी आपने बनाया था, तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा ना, सर सेट भी एमपीटी बनता होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा, सेट भी एमपीटी बनता होगा, जरा बना के देखो, लो भाई सेट भी एमपीटी बना लो, है ना, टाइप चेक करो जरा क्या आ गया डिक्ट। तो अगर आप सेट को सेट डेटा टाइप एमपीटी वैल्यू के साथ ऐसे बनाते हो तो वो डिक्ट में चला जाता है, समझ आ रही, वो एज अ डिक्ट डेटा टाइप कंसीडर कर रहा है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर ये कर्ली ब्रैकेट तो आपने बताया, ये तो सेट का है, फिर ये क्यों नहीं बना यार, चलो ठीक है डिक्ट में चला गया, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि यार लिस्ट को एमपीटी बनाया, टपल को एमपीटी बनाया, सेट को भी एमपीटी बनाना चाहते हैं, तो सेट को अगर एमपीटी बनाते हो तो पाइथन डेवलपर ने सेट को एमपीटी बनाने के लिए सेट नाम का एक फंक्शन दिया और बोला इसको यूज करके सेट डेटा टाइप को एमपीटी बनाओ, कैसे, ये देखो सेट नाम का फंक्शन, ये लो आप चेक करो यार, ये सारे सवाल भी इंटरव्यू में पूछते हैं, क्लियर। चल अब और आगे देखो, अब मैं एमपीटी बनाया, कोई नया वैल्यू डालना चाहते हो बिल्कुल डालो यार, डाल सकते हो, एड 100, ये लो 200, 300, प्रिंट करो लो, क्लियर, समझ आ गई। तो अब ये था प्रैक्टिकल, अब बात करते हैं सेट डेटा टाइप को कहां यूज करेंगे, ठीक है। देखो लिस्ट डेटा टाइप को आपने देख लिया रीड राइट ऑपरेशन के लिए, टपल को आपने देखा रीड ओनली के लिए, लेकिन सेट को कहां यूज करेंगे, तो सेट डेटा टाइप अब ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन सेट डेटा टाइप को हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर सिर्फ हमको डेटा रखना है, उसका ऑर्डर फॉर्डर से कोई मतलब नहीं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, सिर्फ एज इट इज डेटा रखना है बस, हमें कोई ऑर्डर नहीं, सिर्फ डेटा रखना है। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत बार, जैसे आपने ईडब्ल्यूएस में देखा कि जो काम का डेटा नहीं होता वो आपको बोला जाता है ग्लेशियर में फेंक दो यार, ग्लेशियर में पड़ा रहे, है ना, 10 साल 20 साल तक। तो ऐसे ही सेट डेटा टाइप के अंदर रन टाइम पे डेटा यूज नहीं करना, लेकिन वो डेटा रखना इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, तो कहा जाता है यार सेट में डाल दो यार, है ना, वो अपना पड़ा रहेगा, ऑर्डर फॉर्डर से मतलब नहीं, यूज तो करना नहीं है, क्योंकि यूज करना है रन टाइम पे तो भाई इंडेक्सिंग हो तब तो यू रन टाइम पे यूज करते बने, स्लाइसिंग हो तो बने, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो है नहीं, सिर्फ रखना बस है, सेट को यूज कर लो, समझ आ गई। तो आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तो समझा दूंगा और अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ लग गई होंगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग फ्रोजन सेट डेटा टाइप के साथ, ठीक है, फिर डिक्ट पढ़ेंगे, फिर बाइट्स पढ़ेंगे, बाइट्स एरे रेंज नन, फिर आगे चलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।